तो यहाँ पे आप मॉडल नंबर देख सकते हैं HDA 7000, जो कि एक 7000 वाट का एम्पलीफायर है स्टूडियो में इनका। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ओम्स पे देता है 3800 वाट पर चैनल, 4 ओम्स पे देता है 2800 वाट पर चैनल और 8 ओम्स पे देता है 2800 वाट पर चैनल। पंपिंग यहाँ पे 1000 दिया हुआ है, देख सकते हैं, बाकी डिटेल्स हम वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एम्पलीफायर का आप लुक देख सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे डिजाइन दिया हुआ है कंपनी की तरफ से, काफी अच्छा गुड लुकिंग के साथ ये एम्पलीफायर आता है। पिछले वीडियो में आपने देखा HDA 8000 एम्पलीफायर का टेस्टिंग वीडियो, और सेम उसी प्रकार इसमें सामने भी इंडिकेटर उसी प्रकार से दिए हुए हैं, दो वॉल्यूम नोब मिल जाता है, लेवल इंडिकेटर्स, और यहाँ पे सबसे ऊपर में लिमिटर है, और ये पावर ऑन ऑफ का स्विच है, और यहाँ पे ये प्रोटेक्शन और ऑन का ये इंडिकेटर दिया गया है। और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था HDA सीरीज में जितने भी एम्पलीफायर हैं सब में 4 फैन होता है, इसी प्रकार इसमें भी 4 है और 2 फैन पीछे ही आप देख सकते हैं, और 2 फैन यहाँ पे सामने में लगा होता है, जो कि एम्पलीफायर को ठंडा रखने में मदद करता है। इनपुट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट के लिए XLR जैक दिया हुआ है, यहाँ से आप एम्पलीफायर को इनपुट कर सकते हैं और दूसरे एम्पलीफायर को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, आउटपुट कर सकते हैं। और ऑपरेशन मोड में स्टीरियो मोनो ब्रिज तीनों दिया हुआ है, यह पैरेलल है, मोनो एक ही होता है। सेंसिटिविटी 3 प्रकार के दिए हुए हैं, और क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं हाई पास है, इसमें आप टॉप बजा सकते हैं, लो पास इसमें आप बेस बजा सकते हैं, बाई पास जैसा आपको मिक्सर से आउटपुट मिल रहा है वैसा ही इसमें मिलता है। और आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे हमें दोनों चैनल के लिए अलग अलग मिल जाते हैं, चैनल ए चैनल बी, और ये ब्रिज मोड के लिए होता है, वैसे इतने बड़े एम्पलीफायर को ब्रिज मोड के चलाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्मिनल भी दिया हुआ है स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए, आप इन दोनों में से कोई सभी यूज कर सकते हैं। एम्पलीफायर की आउटपुट की बात करें तो 8 ओम्स पे हमें मिल जाता है 1800 वाट पर चैनल, 4 ओम्स पे मिल जाता है 2800 वाट पर चैनल, और 2 ओम्स पे मिल जाता है 3800 वाट पर चैनल। इस प्रकार से ये एम्पलीफायर जो है एक 7600 वाट का एम्पलीफायर बन जाता है। मॉडल नंबर 7000 है, लेकिन ये एम्पलीफायर 7600 वाट का है आउटपुट के हिसाब से देखें तो। 1000 इसमें डंपिंग दिया हुआ है, जो कि बेस के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। बने रही वीडियो में, चलिए इसका साउंड टेस्टिंग वीडियो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वायरिंग कंप्लीट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं HDA 7000, और पीछे आपको वायरिंग दिखाना चाहूँगा, एक चैनल पे एक बेस लगा हुआ है, दूसरे चैनल पे दूसरा बेस, और बेस का वायरिंग पीछे से इस प्रकार से जाकर के ये दोनों बेस चल रहे हैं इस वाले एम्पलीफायर पे, और वायरिंग हमने मिक्सर से कर रखा है, एम्पलीफायर को इनपुट दे रखा है। चलिए हम यहाँ पे ट्रैक ऑन करते हैं, हेडफोन का यूज़ करिएगा ताकि क्वालिटी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और एक बात हाँ और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे केवल 2 बेस चल रहे हैं, टॉप सब बंद है, केवल 2 बेस ही चल रहा है।
चलिए एक बार सबवूफर मोड पे टेस्ट कर लेते हैं। हेडफोन के यूज करेगा, सबवूफर मोड पे है बेस। चलिए एक टॉप के साथ इसका टेस्टिंग देख लेते हैं। यहाँ पे मैं दो टॉप का यूज करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टॉप का वायरिंग कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। मिक्सर के राइट चैनल से हमने एम्पलीफायर को लिंक कर दिया है यहाँ पे, और केवल दो टॉप चल रहे हैं, देख सकते हैं। दो वायर यहाँ पे रखा हुआ है और केवल दो वायर को हमने यहाँ पे इस वाले टॉप में लगा रखा है। एक टॉप ये चल रहा है अपना, लास्ट वाले चल रहे हैं, मतलब ये दोनों लास्ट वाले दो टॉप चल रहे हैं। अब टॉप का वॉल्यूम बहुत ही कम रखा है, ये आप देख सकते हैं। एम्पलीफायर का सेटिंग एक बार दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्पलीफायर अभी बाईपास मोड पे है। यहाँ पे एम्पलीफायर को पैरेलल मोड पे रखे हैं, इस प्रकार से चल रहा है। इस सॉन्ग को मैं टेस्टिंग करता हूँ। टॉप का वॉल्यूम यहाँ पे मैंने 40% रखा है, नीचे देख सकते हैं, और बेस का यहाँ पे 80% वॉल्यूम दे रखा है। चलिए बेस को सबवूफर मोड पे डाल देते हैं एक बार। तो यहाँ पे बेस को हमने लो पास फिल्टर मोड पे कर दिया, देख सकते हैं, लो पास सबवूफर मोड। इसमें एक बार साउंड टेस्टिंग देख लेते हैं। ट्रैक को फिर से स्टार्टिंग से चलाते हैं ताकि साउंड टेस्टिंग में सेम ट्रैक मिले। नीचे का दो बेस सबवूफर में है और बाकी लास्ट का दो टॉप चल रहा है। हेडफोन का यूज करिएगा। Thank you.
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भाई इस एम्पलीफायर का यूज़ कर रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कि इस एम्पलीफायर का क्वालिटी आपको कैसा लगा। साथ ही साथ ये भी शेयर करना कि इस एम्पलीफायर पर आप कौन से स्पीकर सिस्टम का यूज़ करते हैं और उसका क्वालिटी आपको कैसा मिलता है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया और मैं इस टाइप का डीजे सिस्टम से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।